ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को 2 लाख समर्थकों के साथ होने वाली दिल्ली कूच को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को सांसद हनुमान बेनीवाल जयपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां दर्जनों कस्बों में जनसंपर्क करके 26 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली चलने का आह्वान किया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन देश के अन्नदाताओं द्वारा किया जा रहा है। हजारों किसान अपनी जायज मांगों को लेकर 4 सप्ताह से कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। ऐसे में केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री को बड़ा मन रखते हुए यह किसान विरोधी कानून वापस लेने चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कल जयपुर जिले के दूदू, बगरू, रेनवाल, फागी, मोजमाबाद, नरेना, मुंडवाड़ा, फुलेरा, जोगनेर, भैसावा, जालसू, चोमू, मनोहरपुर, पावटा, कोटपुतली आदि स्थानों पर जनसंपर्क करके दिल्ली कूच का आह्वान किया। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कृषि बिलों को वापस लेने से मोदी सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश देश भर में जाएगा, इसलिए किसानों की बात पर सरकार को सहमति दे देनी चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में अपराध चरम पर है, संपूर्ण किसान कर्ज माफी के वादे से गहलोत सरकार मुकर गई है, ऐसे में जनता का भरोसा राजस्थान की सरकार पर नहीं रहा। सांसद बेनीवाल ने गुरुवार को पार्टी की कार्यकारिणी की सहमति से प्रदेश महामंत्री शंकर लाल नारोलिया को जयपुर जिले का अध्यक्ष घोषित किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।